हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। लाइव क्लास में आपको एक चीज बता रहा था मैं, जिसमें कि एक्सेल में, अब देखिए यहाँ पर ये एक्सेल का 365 ओपन कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, ये एक्सेल का 365 है, 365 क्लाउड स्टोरेज होता है, ठीक है, इसे आपको परचेज करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर वो चीजें हम देखेंगे। जैसे मैं कह रहा था कि आप एडिशन करना तो जानते ही हैं, एडिशन करना तो बहुत सिंपल बात है, ये तो 2, 3, 4, 5 का लड़का भी बता सकता है। अगर यहाँ पे 6 लिखा हो, यहाँ पे 7 लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो या 9 लिखा हो, तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम लगा करके आप ऐड कर सकते हैं, या प्लस का साइन लगा के भी ऐड कर सकते हैं, या ऑटो सम भी कर सकते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हमारा डेटा ऐसा नहीं है। हमारा डेटा कैसा है देखिएगा जरा, यहाँ 6 है, यहाँ कॉमा दे के 7 है, यहाँ कॉमा दे के 9 है, यहाँ कॉमा दे के 7 है। अब इन सबको ऐड करना है यहाँ पर। अब ये तो एक टेढ़ी खीर हो गई, ये तो पता ही नहीं कैसे ऐड होगा, ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कैसे ऐड होगा, ठीक है, आपको ट्रिक पता नहीं है तो ये नहीं आप कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे इसे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या जो है सॉल्यूशन है, कैसे हम इसको करेंगे, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो जो फंक्शन मैं बता रहा था वो फंक्शन आपको एक्सेल 365 में मिल जाता है और उसकी मदद से ये इजिली हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाया, यहाँ लिखा सम, SUM, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, दो बार लगाना है हाइफन, ये दो बार डैश लगाइएगा, फिर ब्रैकेट को क्या करिएगा, फिर यहां पर क्या करिएगा, टेक्स्ट स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है। तो देखिए ये आपको एक्सेल 365 में मिल जाता है, देखिए टेक्स्ट ज्वाइन भी है, टेक्स्ट स्प्लिट भी है। तो यहां पर आपको यूज करना है टेक्स्ट स्प्लिट और यहां पर ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है और कॉमा लगा करके डबलेटेड कॉमा में कॉमा दे देना, क्योंकि जहां जहां कॉमा है उसको हटा करके और उनको जोड़ दीजिए आप, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज करके और क्या प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। तो क्या काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एंटर करिए, देखिए यहां पे 713 हो गया और 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 होगा, और 22 और 7 कितना होता है, 29। आप यहां पे चेंजेस कर सकते हैं, यहां पे 7 के बाद यहां पे फिर मैंने 9 कर दिया, फिर यहां 6 कर दिया, फिर यहां 6 कर दिया, तो देखेंगे कि रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाएगा। देखिए यहां पर एंटर किया तो 50 आ गया, देख रहे हैं। अब ये देख सकते हैं ये इस तरीके का है, ये डेटा इस तरीके का है। अगर इसके आगे कुछ और भी आप लिखते चलते हैं तो वो भी ये ऐड करता चलेगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से देख सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, जो शाम को चल रही थी क्लास उसमें ये चीज नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास 2021 का वर्जन है जिस सिस्टम से मैं क्लास ले रहा था, और इसमें है जिस सिस्टम पे मैं बना रहा हूँ, इस सिस्टम पे मेरे पास जो है एक्सेल 365 है, तो यहां पर इससे काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।